देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, वो खबर क्या है ये आपको मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह से स्थितियां देखने को मिल रही हैं, और अगर बात की जाए साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले जो समीकरण निकल कर सामने आए हैं, जो लोगों की राय निकल कर सामने आई है, वो ये है कि अगर लोकसभा चुनाव होते हैं और पीएम मोदी की जगह दूसरा विकल्प कोई तलाशा जाएगा तो वो होंगे योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को लेकर बहुत सारी जनता ने ये कहा है कि योगी आदित्यनाथ पीएम कैंडिडेट के लिए एक बेहतर साबित हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी मौजूदा समय की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह से काम उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कर रहे हैं उसकी तारीफ तो जनता कर ही रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अगर पीएम कैंडिडेट के लिए भी अगर योगी आदित्यनाथ को देखा जाता है तो जनता बिल्कुल मोहर लगा रही है, यानी कि जनता खुश है कि अगर पीएम मोदी के अलावा दूसरा विकल्प है तो वो है योगी आदित्यनाथ। चलिए एक रिपोर्ट के जरिए आपको मैं समझाऊंगा कि क्या हाल है, क्या स्थितियां बन रही हैं और किस तरह से जनता योगी आदित्यनाथ को लेकर पीएम कैंडिडेट के बारे में सोच रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथों में सौंपी गई थी। शुक्रवार को योगी सरकार ने अपने 4 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते शुक्रवार को सरकार के 4 साल का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया, जिसमे योगी सरकार ने बताया कि इन 4 साल में किस तरह से योगी सरकार ने रोजगार से लेके किसान से लेके बाकी कई दो पर काम किया, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही है। लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि इन 4 साल के कार्यक्रम पूरा होने के बाद कुछ ओपिनियन पोल सामने है। इन ओपिनियन पोल में यह दावा किया गया कि अगर जो 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें पीएम मोदी की जगह अगर किसी दूसरे कैंडिडेट को देखा जाता है तो वो कैंडिडेट कौन होंगे, तो ऐसे में सबसे बड़ी राय जो जनता की थी वो थी योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विकास कार्य किया है और जिस तरह से वहां पर लोगों के लिए काम किया है, इस बात से बहुत ज्यादा खुश जनता है। और जनता ये मांग कर रही है कि अगर पीएम मोदी की जगह किसी और कैंडिडेट को पीएम के लिए बनाया जाता है तो वो होंगे योगी आदित्यनाथ। वो अगर बात की जाए वोटर्स की, तो जो कुछ ओपिनियन पोल सामने आए उनकी तरफ से किए गए सर्वे के दौरान प्रदेश की जनता से सवाल किया गया कि क्या नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनने के लिए सक्षम है। इस सवाल के जवाब में यूपी के 50% लोगों ने हां में उत्तर दिया। 37% लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा नहीं। 13% लोगों ने बताया कि वह इस बारे में अभी कुछ कह नहीं सकते। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर जो वोटर्स की तरफ से कहा गया है कि 15,747 लोगों से बात की गई। इस सर्वे में यह निकलकर सामने आया कि साल 2021 के अनुमान के मुताबिक बीजेपी को चुनाव में 284 से 294 सीटें मिल सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 54 से 64 सीटें और बहुजन समाज पार्टी को 33 से 43 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वाकई में ये बात बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ही नहीं बल्कि अन्य जो लोगों की राय है वो भी ये बात से सहमत हैं कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो पीएम कैंडिडेट के लिए एक बेहतर कैंडिडेट हैं। तो देखा आपने हमारी खास रिपोर्ट जिसमें हमने आपको ये पूरी जानकारी बताई कि जनता की क्या राय है और पीएम मोदी के अलावा दूसरा जो चेहरा है पीएम कैंडिडेट बनने के लिए वो योगी आदित्यनाथ है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो विकास कार्य योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया है उसकी चर्चा ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि अन्य राज्यों में भी है। और आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीखते हुए कई अन्य राज्य के मुख्यमंत्री भी काम कर रहे हैं, तो यानी कि किस तरह से बेहतर ढंग से योगी आदित्यनाथ ने काम किया है और वो काम बताता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर बात की जाए तो वो केवल सीएम बनने लायक नहीं बल्कि पीएम बनने के लायक भी हैं। यानी कि सीएम तो है ही
वो सीएम रहते हुए अच्छा काम तो कर ही रहे, लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन देखा जाए तो वो पीएम रहते हुए भी देश के लिए बहुत सारे विकास कार्य करेंगे और देश के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए भी वो अपनी रणनीति बनाएंगे। तो फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।